आज हमारे भी कामयाबी के स्टैंडर्ड वही हो चुके हैं जो गैरों के हैं। मेरा एक दोस्त कहता है, यार अबाबील के झुंड नहीं आए हमें बचाने के लिए। ये अबाबील के झुंड किधर है? उस सईद अनवर के सामने उसने ये बात कर दी। वो सईद अनवर अल्लाह का बंदा, उसने कहा यार अबाबील के झुंड आए थे, ये नहीं कि वो आए नहीं, मुसलमानों की और जब काफरों की जंग हुई वो आए, वो आके उन्होंने ऊपर से देखा, वो पहचाने नहीं सके कि मुसलमान कौन से काफिर कौन से। वो बेचारे ऊपर ही ऊपर मंडला के उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, इनकी शादियां चल के देखते हैं, उधर पता चल जाएगा। तो पता चला कि वह जो शादियां देखने के मुसलमानों की, तो वहां पर तो मुहूर्त तय हो रही थी है जी, वहां पर तो हिंदू भी शर्मा रहे थे उनकी शादियां देखकर है जी, वहां पर तो लड़कियां माशाल्लाह से डांस तैयार कर रही थी हिंदुस्तानी गानों के ऊपर कि कैसे नाचेंगी वो सबके सामने। वो बेचारे उधर भी कंफ्यूज हो गए है जी, अबाबील है सारी। फिर उन्होंने कहा चलो इनकी चल के तिजारत देखते हैं। तो जो इनके बाजारों में गए तो पता चला कि यार वहां भी कंफ्यूजन मची हुई है, उधर भी बैंक जो है इस वक्त 9% जो है सूद दे रहे हैं, हालांकि जापान में और अमेरिका में 2-2.5% जो है। ये तो इन्होंने तो काफरों को भी मात दे दी। वो बेचारे ऊपर ही ऊपर कहा यार ये पत्थर यहीं फेंक दो कहीं, वो एक आदम वो पत्थर जो फेंके तो वो ज्यादा मुसलमानों पर ही गिरे वो पत्थर। ये सईद अनवर कहता होता है कभी कभार, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, दिल की आंख को खोलो, अपनी जिंदगियों की कीमत लगाओ अल्लाह के सामने। अगर इस रास्ते पर नहीं निकलोगे अल्लाह अपनी मंशा कभी नहीं खोलेगा। ऊपर ही ऊपर फिर फिरा के बस नीचे ही नीचे ऐसे ही चल चला के गुजर जाएगी जिंदगी, बेकीमत गुजरेगी जिंदगी। सब्सक्राइब करें।